गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, संस्कारवाद के पीजी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर की का थर्ड लेक्चर लेने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसका महत्व और उपयोगिता। हम इस पे कल बात किए थे तो आज से आगे बात करेंगे। आगे पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ तो एक छोटा सा रिकैप हो जाए कि कल हमने क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था, फिर आगे देखते हैं। और आज का हमारा विशेष महत्व रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के होने के विपक्ष में तर्क। उससे पहले हम इसकी कुछ इम्पोर्टेंस है वो देखते हैं। हमारी पहली इम्पोर्टेंस थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों होता है। इसका पहला कारण ये था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने से साधनों का इष्टतम उपयोग। देखो, एडम स्मिथ और जेएस मील और हेक्टर रोलिन का मानना था कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार होने से विश्व के जितने संसाधन हैं उनका इष्टतम प्रयोग होता है। जैसे कल हमने बात भी की थी कि उत्पादन कुछ संसाधन है जैसे श्रम, पूंजी, साहस, प्रबंध और भूमि, ये कुछ संसाधन थे, पांच संसाधन थे। एक संसाधन में प्रत्येक देश में तीन चीजें मुख्यतः रहती है, फिर भी श्रम और पूंजी दोनों संसाधन है जो किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने से एक फायदा होता है कि जिन देशों में श्रम अधिक होता है वह दूसरे देश को श्रम की पूर्ति करता है, जिन देशों में पूंजी अधिक है वह दूसरे देश को पूंजी सप्लाई करता है। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होने से सभी साधनों का इष्टतम प्रयोग होता है, सभी साधनों का इष्टतम प्रयोग होता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। दूसरी इसका महत्व ये है कि इसमें कीमत स्थिर रहती है, स्थिर रहती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने से एक वस्तु के बहुत सारे सप्लायर होते हैं जिनके कारण मांग बढ़ने पर तुरंत पूर्ति होती है, इसके कारण से कीमत लंबे समय तक स्थिर बनी रहती है। इसका अच्छा उदाहरण है खाद्य पदार्थ, फूड। आपने पिछले कुछ 10-15 सालों में देखा होगा कि जितनी कीमतें अन्य चीजों की बढ़ी है उतनी चीजें खाने के सामान की नहीं बढ़ी। इसके पीछे कारण ये है कि दुनिया के बहुत सारे देश उत्पादन करते हैं, अगर एक वस्तु के एक से अधिक उत्पादन होंगे तो सप्लाई भी अधिक होगी, इसके कारण से सप्लाई पूर्ति में कोई समस्या नहीं आएगी। और ऐसा ही है, इस कारण से कीमत स्थिर रहती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने का फायदा ये है। अगला फायदा ये है तकनीकी प्रवाह। देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब भी होता है तो विकसित देशों से विकासशील देशों की ओर तकनीक स्थानांतरित होती है जिनसे उनका विकास होता है। जैसे भारत का अगर अमेरिका चाइना के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा तो अमेरिका और चाइनीज तकनीक भारत में आएगी। अगर भारत का जापान के साथ में संबंध होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा, तो चाइनीज तकनीक और जापानी तकनीक भारत में आएगी। इसका भारत के विकास में योगदान होगा और ये भारतीय लिए लाभदायक होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने से फायदा ये है कि तकनीकी का प्रभाव होता है विकसित देशों से विकासशील देशों की ओर। अगली विशेषता ये कि स्वच्छ प्रतियोगिता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने से थोड़ा फायदा ये कि बाजार में बहुत सारी वस्तुएं या बहुत सारे उत्पादक या बहुत सारे क्रेता या विक्रेता उपलब्ध रहते हैं जिनके कारण उत्पादक वर्ग में स्पष्ट और स्वच्छ प्रतियोगिता पाई जाती है। इनमें एक उपभोक्ता सर्वेसर्वा होता है, एक उपभोक्ता को जाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना एडिस्टोपिटक का जोड़ लगा देती है। इसका परिणाम ये होता है कि एक देश में गुणवत्तापूर्ण वस्तु कम कीमत पर उपलब्ध होती है जिससे कि एक ग्राहक या सामान्य वर्ग को लाभ होता है। स्वच्छ प्रतियोगिता का सबसे ज्यादा फायदा मध्यम वर्गीय लोगों को होता है। उच्च अर्थशास्त्रियों का मानना था जैसे जेएस मील,
का मानना था कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार होने के कारण अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का विकास हुआ है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का निर्माण हुआ है। ये बात कई अर्थों में सही भी है, जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WB, वर्ल्ड बैंक, जिसे आप IBRD भी कहते हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO, ये ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट हैं जिनका निर्माण अंतरराष्ट्रीय व्यापार होने के कारण ही हुआ है। अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होता तो इन संस्थाओं की जरूरत नहीं है। जैसे हम WTO की बात करते हैं, WTO वो संस्थान है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कानून कायदे का निर्माण करती है और व्यापार को सरल बनाने के लिए कार्य करती है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये संस्थाएं अंतरराष्ट्रीय व्यापार होने के कारण होंगे, WTO, IMF। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि यहाँ से सवाल पूछा जाता है, हमारे वन लाइनर क्वेश्चन में आता है WTO की स्थापना कब हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए 1 जनवरी 1995 में WTO की स्थापना हुई थी और ये एक ऐसा संगठन है जो व्यापार की स्थापना करता है। और 1945 में IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। वर्ल्ड बैंक को IBRD बोलते हैं, इनको कुछ लोग सिस्टर इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं, बहन संस्था, यानी कि इन ये ऐसी संस्थान है जिनकी स्थापना एक साथ हुई थी, इसीलिए सिस्टर इंस्टीट्यूट कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सबसे ज्यादा फायदा ये हुआ कि इसे निर्यात को प्रोत्साहन मिला, निर्यात को प्रोत्साहन, क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार होने के कारण एक संपूर्ण विश्व आपके लिए बाजार बन जाता है, जिससे कि आप लाभ के उद्देश्य से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करते हो और उसका निर्यात करते हो। ये काफी कुछ महत्व थे जिनके बारे में हमने कल बात भी की थी और आज भी मैंने आपको एक बार छोटा सा रिकैप करवाया। आज मैं आपको इसके विपक्ष में तर्क दूंगा, यानी कि मैं ये बताने की कोशिश करूंगा आज का अंतरराष्ट्रीय व्यापार हमारे लिए क्यों हानिकारक है। अगर ऐसा होता कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार होने से ही अगर देश का विकास होता तो भारत सदियों से अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर रहा है, फिर भी भारत का विकास नहीं है। जैसे रॉबर्टसन ने कहा था कि एक देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण उसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार करता है, जबकि ऐसा नहीं है, ये एक कल्पना मात्र है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो भारत सदियों से अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर रहा है और भारत बहुत विकसित देश होता, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग व्यापार के चक्कर में देश को लूटते हैं और वो अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे 200 साल तक राज किया था व्यापार के नाम पर। तो ये ऐसी कुछ समस्याएं हैं जिनको देखकर मैं आपको आज सिद्ध करने की कोशिश करूंगा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं करना चाहिए, हमें अधिक से अधिक आत्मनिर्भर बनना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो शायद देश का हित होगा। तो हमारा आज का अध्ययन बिंदु है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विपक्ष में तर्क, विपक्ष में तर्क। हाँ जी, पहली बात तो ये आज हम तर्क देंगे और रॉबर्टसन की बात को गलत साबित करेंगे। मैं रॉबर्टसन की बात एक बार फिर कहना चाहता हूँ। रॉबर्टसन ने कहा था कि एक देश का आर्थिक विकास इस बात से तय होता है कि उसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार किस प्रकार का है, लेकिन सही अर्थों में ये सही नहीं है। जैसे J.L. मिल, एडम स्मिथ, इन सबका मानना था कि एक देश को अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं करना चाहिए, मजबूरी हो तो सीमित मात्रा में अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना चाहिए। तो विपक्ष में पहला तर्क है संसाधनों का दोहन। अंतरराष्ट्रीय व्यापार होने के कारण बहुत सारे देश दूसरे देश में पूंजी का निवेश करते हैं, जैसे लाइक FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसे हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, निवेश ये FDI है। ये कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है,
बीए फाइनल में 2018 में फुल फॉर्म पूछी गई थी इसकी कि एफडीआई फुल फॉर्म क्या है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। यानी इसका मतलब सामान्य मतलब ये होता है कि भारत के घरेलू उद्योग धंधों में विदेशी पूंजी को लगाना, ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। जब भी कोई अंतरराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देश में जब भी व्यापार करती है तो वह अपने देश की पूंजी लगाता है। और आज की दुनिया में बहुत सारे देश सामाजिक उद्देश्य को लेकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं करते, क्यों? अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने का एक ही मुख्य उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना। ऐसी स्थिति में वह स्थानीय देश के जो स्थानीय संसाधन है उनका उचित दोहन करते हैं। जैसे कि वर्तमान में वनों पर कटाई, ये इसका उदाहरण है, चंदन के वनों की कटाई, क्योंकि चंदन के अंतरराष्ट्रीय व्यापार होने से मुनाफा कमाने के चक्कर में जो स्थानीय व्यक्ति है और जो विदेशी कंपनी है वो लाभ को अधिकतम करने के लिए पेड़ों की कटाई करते हैं, जिनसे कि वनों में कटौती हुई है। दूसरा, बजरी क्षेत्र खनन, इस लोग लाभ कमाने के चक्कर में नदी का सीना चीर कर उसे बर्बाद कर दिया, जैसे चंबल नदी है उसके प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया, बनास नदी है आज मृत स्थिति में पहुंच गई है। ये इसी उदाहरण है कि लोग लालच के चक्कर में अधिक दोहन करके लाभ कमाने के चक्कर में वह उसको नुकसान पहुंचा रहे, संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी विदेशी कंपनी का सामाजिक सेवा करना उद्देश्य नहीं होता है, उसका उद्देश्य होता है लाभ को अधिकतम करना। लाभ अधिकतम तभी हो सकता है जब वो संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करे। क्यों? क्योंकि ये किसी सरकारी नियंत्रण में नहीं होता है, निजी लोगों की कंपनियां हैं और निजी लोग किसी का भला काम करना चाहते हैं। दूसरा ये है भुगतान शेष के घर पे, भुगतान शेष का घाटा बनना, घाटा बढ़ना। अंतरराष्ट्रीय व्यापार होने से बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हुई है, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक देशों का व्यापारिक घाटा बदल गया है और भुगतान असंतुलन समस्या उत्पन्न हो गई है। जो उनका व्यापार संतुलन वो शेष में ना होता कि विपक्ष में रहा, इसका परिणाम यह रहा कि विकासशील तो छोड़ो, विकसित देशों का व्यापार संतुलन घाटे का हो गया है। क्यों? क्योंकि ऐसा होने से नीतियां, कई नीतियां आसान होगी, इसके कारण एक देश अधिक या अनेक करेंसी में उधार ले सकता है, व्यापार कर सकता है, इसका परिणाम यह है भुगतान शेष भी अनबैलेंस हो गया। आगे प्रतिकूल व्यापार शर्तें, व्यापार शर्तें, कई बार अंतरराष्ट्रीय व्यापार होने के कारण एक देश पर कुछ ऐसी शर्तों को डाल दिया जाता है जिसके लिए वो तैयार नहीं होता। ऐसा होने से उस देश का व्यापार घाटा है, वो प्रतिकूल चला जाता है और उसे नुकसान होता है। जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कुछ नियम कानून WTO निर्माण करता है, WTO निर्माण करता है, इसका लाभ कुछ देशों को मिलता है, कुछ दूसरे देशों को मिलता है, तो विकासशील देशों पर कुछ नियम कानून थोप दिए जाते हैं। जब इसका फायदा विकासशील देशों को होता है तो कुछ कानून ऐसे हैं जो विकसित देशों को थोप दिए जाते हैं, जिससे कि इनके हित एक दूसरे के विपरीत है, जिनके कारण उनके जो व्यापार होता है वो प्रतिकूल चला जाता है। कई अंतरराष्ट्रीय व्यापार होने के कारण कई देश के आयात कई गुना इससे बढ़ जाते हैं और कई बार कई देश के निर्यात कई गुना बढ़ जाते हैं, तो ऐसी समस्या होने के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार नुकसान देता है। अगला कारण है विदेशी मुद्रा का आस,
एक देश का मुद्रा बंड कहा होता है जिसमें एक देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने के लिए बहुत सारी मुद्राओं को स्टोर करके रखता है और अपनी आवश्यकता अनुसार करता है। लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है तो उस समय उसे अपने इस खाते से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा दूसरे देश को देनी पड़ती है, जिससे उसके विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संबंध में कर दिया जाए कि इस विदेशी मुद्रा का हास होता है, विदेशी मुद्रा जो देश के पास इकट्ठी होती है वो जान जाता है। इसकी अगली या अगली मैं कहूं विपक्ष तर्क यही है कि इनमें उत्पादन विविधता विविधता या भिन्नता भिन्नता का अभाव होता है, अभाव होता है। हाँ जी, कुछ लोगों का यह मानना है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार एक विशेष क्षेत्र या विशेष उत्पादक वस्तुओं के संदर्भ में ही होता है। जैसे भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार चाइना के साथ में होता है, लेकिन चाइना अधिकतर उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जो भारत में उपभोग की वस्तुएं हैं, अर्थात वो ऐसी वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता या ऐसा निर्यात वस्तुओं निर्यात नहीं करता जो भारत में उत्पादन के लिए सहयोग हो, अर्थात वो खाने के लिए या उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन, जैसे बिस्किट, खिलौने, एक्सेसरीज, ब्यूटी प्रोडक्ट, ये ऐसे उत्पादन है जिनसे देश को कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर इनकी जगह अगर हमें औजार निर्यात होते या आयात होते तो उससे देश का उत्पादन होता है, मशीनरी आयात होती या पूंजी तकनीक आयात होती तो उससे देश का फायदा होता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार होने के कारण कई बार उत्पादन भिन्नताएं नहीं होती है, जैसे चाइना सिर्फ उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करता है, अमेरिका सिर्फ तकनीक बेचता है, जापान से तकनीक बेचता है, भारत से खाद्य पदार्थ या जुड़ी वस्तुएं बेचता है। तो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि इसे जो उत्पादन होता है उनमें भिन्नताएं नहीं होती, वो एक जैसा होता है, जिनके कारण आयात करने वाले देश पे इसका बर्डन होता है। और ये सारी वस्तुएं अधिकतर उपभोक्ता प्रधान है, उत्पादक प्रधान नहीं है। तो ये इसका अगला कारण ये है कि ये भी अंतरराष्ट्रीय, इसी कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं करना चाहिए। आगे की विपक्ष में तर्क है भेदभाव, ओल्ड अंतरराष्ट्रीय कानून। देखो WTO के बारे में मैंने थोड़ी देर बात की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, ये संस्थाएं हैं जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए कानूनों का निर्माण करती है। और इस संस्था में अधिकतर अमेरिका या यूरोपीय कंट्री में दबदबा है, वो अपने हिसाब से कानूनों का निर्माण करती है जिससे कि भारत जैसे विकासशील देशों को उसका नुकसान होता है। तो कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना था, जैसे मार्शल एजवर्थ डॉक्टर भगवती शर्मा एंड अमर्त्य सेन का मानना था कि हमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना चाहिए एक सीमित मात्रा से। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार होने के कारण हम ऐड शर्तों को भी सेंड करते हैं जो हमारे लिए भेदभावपूर्ण है, हमारे लिए क्या भेदभावपूर्ण है जो कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में दिक्कतें पैदा करेगी। अगला इसका विपक्ष तर्क दिया था विकास वित्त का अभाव। देखो एक देश घरेलू व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तो वित्त या फंड
कुछ जारी करता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वित्त उपलब्ध नहीं करवाता, जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न होती है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बहुत सारी समस्याएं इसलिए भी आती है क्योंकि इसके लिए विकास वित्त आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। इसीलिए कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना यह था कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं करने के समर्थन में एक तर्क को भी रहता है कि आत्मनिर्भरता को हानि, आत्मनिर्भरता निर्भरता निर्भरता आत्मनिर्भरता को हानि। हाँ जी, कुछ लोगों में मानना है कि एक तेज अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कारण ही आत्मनिर्भर नहीं बन पाता। यदि एक देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होंगे तो एक समय में उस समय समस्याओं का सामना करने के बाद वह आत्मनिर्भर हो जाएगा, जो उसके आर्थिक विकास के लिए काफी उपयोगी भी है और महत्वपूर्ण भी है। तो इनका यह मानना था कुछ अर्थशास्त्रियों का कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार होने के कारण एक देश आत्मनिर्भर नहीं हो पाता। इनमें से प्रमुख व्यक्ति थे केन्स। केन्स ने भी एक बार कहा था कि यदि अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है तो देशों के मध्य आत्मनिर्भरता बढ़ती है। इसका मतलब ये कि एक देश तभी आत्मनिर्भर होगा जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा। अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा तो उसमें आत्मनिर्भरता अधिक उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि उनकी निर्भरता तो इसमें खत्म हो जाएगी। तो इनका ये मानना है या कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि देश को आत्मनिर्भर होना है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को रोकना होगा। क्यों? क्योंकि अच्छी चीजें कम कीमत पे आयात करने से लोग उत्पादन करना भूल जाते हैं। अगर कोई चीज कम कीमत पर प्राप्त होती है तो लोग ऐसी स्थिति में उत्पादन करना भूल जाते हैं और बस पकी पकाई या रेडीमेड वस्तुओं का आयात करके ही अपना जीवन चलाना रहते हैं, जिससे कि उसके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आगे राजनीतिक हस्तक्षेप। राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिक हस्तक्षेप हस्तक्षेप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कई चीजों से प्रभावित होता है, जैसे उसकी व्यापार ढांचा किस प्रकार से है, किस प्रकार से नहीं है। व्यापार ढांचा एक देश की राजनीतिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जितना भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्तमान परिप्रेक्ष्य की जो भी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उन पर वह निर्भर करता है। अगर WTO में पूंजीपति देशों का स्वामित्व होता है तो ऐसे कानून नियम बनाते हैं जो पूंजीपति देशों के लिए लाभदायक है। अगर WTO में विकासशील देशों का दबदबा होता है तो ऐसे कानून बनाते हैं जिनके कारण विकसित देशों को नुकसान होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उस पर राजनीतिक हस्तक्षेप अधिक होने के कारण ये नुकसान दे रहा है। आगे ये युद्ध का कारण भी हो रहा है, ये युद्ध का कारण भी है, युद्ध का कारण वर्तमान में अमेरिका और चाइना के मध्य युद्ध सबका कारण ट्रेड वॉर है। कुछ देश अपने आर्थिक लाभ या किसी दूसरे देश को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए ही युद्ध करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर दूसरे देश को विकास से गिराना है तो उसे युद्ध करना होगा। चाइना अधिकतर इस नीति का अनुपालन करता है, पर भारत से इसीलिए युद्ध करना चाहता है कि वो भारत के विदेश व्यापार को तहस करना चाहता है, भारत की अर्थव्यवस्था को डुबाना चाहता है। तो कुछ
देश या कुछ अर्थव्यवस्थाएं अंतरराष्ट्रीय व्यापार को एक वेपन, एक हथियार के तौर पे काम में लेना चाहते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। अधिकतर चाइना, यूरोपीय कंट्रीज और अमेरिका इनको एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं और जरूरत पड़ने पर अपना प्रभाव उपयोग करके WTO में या वर्ल्ड बैंक में, IBRD में अपनी इच्छा मुताबिक कानून कायदे बनवाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना राज करते हैं। इसकी अगली कमी है विनिमय स्थिरता का अभाव। विनिमय स्थिरता का अभाव, एक विनिमय स्थिरता का अभाव, विनिमय स्थिरता का अभाव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किसी से बड़ी खामी है कि इनके कारण अंतर्राष्ट्रीय करेंसी जिसे हम डॉलर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसके मूल्य में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाजार के संतुलन के द्वारा निर्धारित होता है और बाजार में आए दिन परिवर्तन होता है। इसका परिणाम यह होता है कि कई विकसित देश, विकासशील देश ने अपने स्थानीय मुद्रा का कई गुना अवमूल्यन कर लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप इनका बजट, इनका व्यापार घटा, घाटे में चला गया और इनको काफी नुकसान हुआ। अगर विनिमय दर स्थिर होती तो शायद इनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार घाटे का नहीं होता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने के कारण विनिमय दर में परिवर्तन आया और जिनके कारण इनको बहुत सारा घाटा उठाना पड़ रहा है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उतार चढ़ाव, चढ़ाव का वैश्विक प्रभाव, वैश्विक प्रभाव देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होने पर एक देश में कोई भी आर्थिक गतिविधियां हो उस पर दूसरे देश में होने वाली आर्थिक गतिविधियों का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आज वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने के कारण अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ चुकी हैं, जिनके परिणाम स्वरूप, यदि एक देश में कोई परिवर्तन आता है, इसका प्रभाव दूसरे देश पर पड़ता है। जैसे भारत में कुछ होता है तो इसका इफेक्ट अमेरिका, रसिया, जापान, चीन सब पे होता है। यदि चीन ऐसा कुछ करता है तो इसका प्रभाव भारत के स्पष्ट रूप में नजर आता है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने के कारण अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ चुकी है और एक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का प्रभाव सब पे पड़ता है। इस प्रकार से ये बहुत सारे मैंने आपको कारण बताए जो वन बाय वन एक बार दोबारा बताऊं नहीं है। पहला ये संसाधनों का शोषण, दूसरा था भुगतान शेष का घाटे का व्यापार, दूसरा था भुगतान शेष से घाटे का व्यापार, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय ऋण की समस्या, इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय ऋण की समस्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय ऋण की समस्या। कई बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के कारण अंतर्राष्ट्रीय ऋण लेना पड़ता है और जिनसे कई देश डूब जाते हैं, कर्जे डूब जाते हैं। जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान वर्तमान में अपनी GDP का लगभग 25% ऋण से ग्रसित है। पाकिस्तान पे चाइना कर्ज है, पाकिस्तान पे अमेरिका कर्ज है, पाकिस्तान पे अरब कंट्रीज का कर्ज है, पाकिस्तान के डेवलपमेंट में ऋण का बड़ा योगदान है। अभी पिछले कुछ महीनों से सऊदी अरब का उधार देना बंद कर दिया है तो इनके अर्थव्यवस्था का प्रभाव पड़ा है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे विदेशी ऋण बढ़ता है और कर्जा बढ़ता जाता है।
अगला प्रतिकूल व्यापारिक शर्तें, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होने के कारण कुछ शर्तें प्रतिकूल होती है जिनसे व्यापार नहीं करना चाहिए। औद्योगिक विविधता का अभाव, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विविधता की कमी पाई जाती है इसी कारण से अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं करना चाहिए। विकास वित्त का अभाव इसकी अगली विशेषता थी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें विकास वित्त का अभाव होता है। और अगला जो स्टेटमेंट था वो ये था कि विनिमय स्थिरता का अभाव, अंतरराष्ट्रीय व्यापार इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि विनिमय स्थिरता नहीं पाई जाती है। अगला या अगला कुछ स्टेटमेंट था अंतरराष्ट्रीय व्यापार होने के विपक्ष में कि ये जो व्यापार होता है वो भेदभावपूर्ण होता है। क्या होता है? भेदभावपूर्ण होता है। और अंतरराष्ट्रीय विपक्ष ने अगला तर्क यह था कि इसमें राजनीतिकरण अधिक हो गया है जिस कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं करना चाहिए। और लास्ट और फाइनल ये है कि इसमें युद्ध होने का कारण भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार बनता है कई बार, जैसे अमेरिका और चीन में ट्रेड वॉर इसका अच्छा उदाहरण है। मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम एंड सेफ। थैंक यू।